अपर्णा यादव को मिली जान से मारने की धमकी। जी हाँ, इस खबर में पूरी तरीके से सच्चाई है कि अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। और ये धमकी मिलते ही यादव परिवार और योगी सरकार में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनके मोबाइल पर दी गई। धमकी देने वाले आरोपी ने कहा कि 72 घंटे के अंदर AK-47 से उनकी जान ले ली जाएगी। धमकी के बाद पूरा परिवार सदमे में है। अपर्णा के PSO ने गौतमपल्ली थाने में संबंध में मोबाइल नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। आला अधिकारियों के निर्देश पर सर्विलेंस समेत पुलिस की कई टीमें धमकी देने वाले की तलाश में लगी हुई है। लखनऊ में भाजपा नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी की सनसनीखेज खबर आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि भाजपा नेता को व्हाट्सएप पर जिस नंबर से कॉल आई थी वह अज्ञात थी। पुलिस फ़ोन पर आए नंबर और फ़ोन करने वाले की तलाश में जुट गई है। भाजपा नेता को धमकी के बाद अब गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज करने की तरहीब की गई है। 8 विक्रमादित्य मार्ग पर रहने वाले सरकारी PSO दिलीप सिंह ने गौतमपल्ली थाने में परीर देकर बताया कि बुधवार शाम 4:11 पर अपर्णा यादव के नंबर पर पहले एक मिस्ड कॉल आई, वो वह उठा नहीं पाई। उसके बाद व्हाट्सएप कॉल आई, फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर AK-47 से तुम्हारी हत्या कर दूंगा, इस बात को गंभीरता से लो और नोट कर लो। फिर अपने अपशब्द कहे और फ़ोन काट दिया। PSO ने मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों और गौतमपल्ली थाने को दी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अपर्णा से घटनाक्रम का सारा ब्यौरा लिया। DCP मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के ने किसी से रंजिश से इनकार किया है। सर्विलेंस समेत पुलिस की कई टीमें नंबर की पड़ताल और लोकेशन की ट्रेस करने के लिए लगाई गई है। जल्द ही धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। अपर्णा यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को पुलिस अधिकारियों ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्हें हिदायत भी दी है। बता दें कि भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव मुलायम सिंह यादव दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। UP BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के 3रे दिन अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी लिया था। उन्होंने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने का फोटो भी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया। इससे पहले अपर्णा यादव ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ की कैंट सीट सपा के टिकट पर उतरी थी। वे चुनाव में उनको भाजपा की डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी हरा दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बाद से सारी जगह पर सिर्फ और सिर्फ हड़कंप देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में पुलिस कब तक जांच पड़ताल करती है और कब तक पता लगा पाती है कि आखिरकार किस शख्स की ये इतनी बड़ी बात हो गई। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।